हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.3। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो मैंने एक चतुर्भुज की रचना कर दी, आपको दिख रहा है क्या चतुर्भुज? हाँ कर दो कमेंट के अंदर, दिख रहा तो, और नहीं दिख रहा तो ना कर दो। मैं इसके जो शीर्ष हैं वो लिख देता हूं -4, -2, -3, -5, 3 और -2 और इसके हैं 2, 3। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल सकता है लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम यह है कि मैं इसके अंदर एक लाइन खींच रहा हूं, एक विकर्ण की रचना कर रहा हूं, और विकर्ण की रचना करने के बाद मेरे पास में दो त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज होगा, दोनों को जोड़ेंगे चतुर्भुज बन जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और इस त्रिभुज का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। मैं इसको नाम दे देता हूं A, B, C और D। मैं आपके सामने बना के दिखा देता हूं। देखिए, एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया, ए बी और सी, ये है -4, -2, -3, -5 और ये वाला है 3, -2। एक नंबर त्रिभुज ये वाला हो गया। एक त्रिभुज मेरे पास में बन रहा है ये वाला, ये वाला, ठीक है? सबको दिख रहा होगा ना, ये थोड़ा सा इसका कॉर्नर सही नहीं ना। तो ये है हमारा ए, ये है सी और ये है डी। इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास में -4, -2, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास में 3, -2 और इसके है मेरे पास में 2, 3। ये हमारे पास में दो त्रिभुज बन गए। ये देखो, यहाँ पे एक्स वन का काम कर रहा है, ये वाई वन का काम कर रहा है, ये यहाँ पे एक्स टू का, ये वाई टू का, ये एक्स थ्री का कर रहा है, ये वाई थ्री का कर रहा है। यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये हमारा एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना? अब आपको क्या करना है, पहले इस त्रिभुज का निकालो, फिर इस त्रिभुज का निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे क्या बनेगा? चतुर्भुज। तो वो चतुर्भुज किस तरफ ला दे, सिंपल सा बंडा है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान में रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना पड़ा ना। जैसे मेरे याद हुआ है वैसे ही आपको हो जाएगा अगर आपने पीछे वाले वीडियो देखे हैं। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे आप 10th क्लास में हो तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखो, आपको नंबर लाने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो, आपको देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आपको मेरे लिखे हुए अक्षर नहीं दिखते हैं तो मेरी आवाज तो सुन रही होगी ना। तो आपको मेरी आवाज सुन रही है तो आपको मेरी अक्षर लिख रहा हूं उसकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, 1/2 यहां से त्रिभुज का निकाल रहे हैं इसका। तो यहां पे आता है फॉर्मूले में एक्स वन यानी -4, अब आ जाएगा वाई टू यानी -5, उसके बाद आ जाएगा माइनस वाई थ्री है मेरा -2, लेकिन ये हो जाएगा +2, प्लस एक्स टू है मेरा -3, अब उसके बाद में आ जाएगा मेरा y3 है मेरा -2 और माइनस, और उसके बाद y1 कितना है मेरा -2, तो लेकिन ये हो जाएगा +2। उसके बाद में आ जाएगा x3 है मेरा 3 और उसके बाद में आ जाएगा मेरा y1 -5, यानी कि -2 -+ और ये 5। तो कैलकुलेशन करो भाई, 1/2 -4 और ये कितने हो जाएंगे यहां से -3, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा -2 + 2
जीरो, जीरो को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी कर दो, क्या आएगा जीरो। प्लस यहां पे कितना बच गया मेरे पास, थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, कितना हो गया भाई, वन बाई टू, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस नाइन, ट्वेल्व के अंदर एट एड करते हैं तो होता है ट्वेंटी, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन बाई टू, ट्वेंटी के अंदर टू से डिवाइड करते हैं तो टेन पॉइंट कितना आता है, सॉरी ट्वेंटी को टू से डिवाइड करते हैं तो आता है टेन, वन और बच गया तो पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव इधर उधर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा टेन पॉइंट फाइव। ये मेरा आ गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं बिना कोई देरी करते हुए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, और फॉर्मूले को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कर रखा है, आप रिपीट कर देना, अब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को रिपीट कर दोगे। 1 बाई टू अक्ष वन, अब की बार अक्ष वन कितना है मेरा माइनस फोर, पिछली बार भी माइनस फोर था, उसके बाद में आता है वाई टू माइनस वाई थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, प्लस अब आ जाएगा मेरा क्या अक्स टू, अक्स टू कितना है थ्री, उसके बाद आता है वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, यानी थ्री ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, उसके बाद में आएगा आपका अक्स थ्री, अक्स थ्री कितना है मेरा थ्री, अक्स थ्री मेरा कितना है टू है ना, अक्स थ्री मेरा है टू, उसके बाद आ जाएगा वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू माइनस टू और ये प्लस टू, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा कितना प्लस टू, माइनस आता ना को और ये माइनस पहले से है तो ये जाएगा प्लस टू। देखो कैलकुलेशन करो, वन बाई टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएंगे आपके माइनस फाइव, प्लस थ्री प्लस टू फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस टू प्लस टू ये जीरो, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। चलो आगे, वन बाई टू ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, फोर फाइव जा क्या होता है ट्वेंटी, प्लस में कितना है फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी कितना हो जाएगा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट फाइव। तो क्या होगा मेरे पास में, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया, क्षेत्रफल इकाई के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इकाई आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, मेरे पास में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है ना यहाँ पे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लिख लेना बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे पास 10.5 प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना है 17.5। तो कितना हो जाएगा यहां से देखो, 10 प्लस 17 ये होते हैं 27.5.5 यानी 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 और ये आ जाएगा अपना स्क्वायर यूनिट। समझ रहे हो मेरी बात, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसकी यूनिट है, 28 वर्ग इकाई इसका क्या आ जाएगा मेरे पास में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने इसको दो त्रिभुज के अंदर तोड़ा था और उसके बाद में मैंने बारी बारी से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के फॉर्मूला निकाल लिया, दोनों को एड कर दिया तो मेरे पास में फाइनल रिजल्ट है वो 28 स्क्वायर यूनिट आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया है तो छोटा सा कमेंट करना, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा या फिर दोबारा दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा या फिर मोटिवेट करूंगा, मोटिवेट होना भी बहुत जरूरी है। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, पीछे वाले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है प्लेलिस्ट का, देखना नहीं भूलना अगर आपने नहीं देखी है तो चलो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई उमंग और नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और राम राम सर।